नमस्कार, मैं हूँ मंगल। वेलकम टू मंगल की recipe.com। आज हम देखेंगे मीठा देखेंगे और इसमें है श्रीखंड। फटाफट बनने वाली रेसिपी है। ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं हमें इसके लिए, सिर्फ दूध और उसका कर्ड जमाना है हमें। कर्ड हैंग करना है, हैंग कर्ड का श्रीखंड बनाएंगे हम, और शक्कर। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं श्रीखंड बनाना। श्रीखंड बनाने के लिए चाहिए हमें दही, होल मिल्क का यानी कर्ड, शुगर एंड हमें इलायची पाउडर है हमारे, ये बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले हम श्रीखंड बनाने से पहले हम दही को बांधेंगे, चक्का करेंगे इसका, टांग देंगे इसे। तो पहले उसे करते हैं। हमने मसलिन क्लॉथ लिया है और इसे हमने एक स्ट्रेनर में रखा है ताकि पानी निकल जाए, और इसमें हम दही को डालेंगे। इस तरह से हमें इसे उठाना है। हमने ये स्ट्रेनर में रखा था ताकि ये पानी नीचे आ जाए। पानी आता है इसे और इसे हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे। इस तरह से, और इसे हम टांग के रखेंगे 2-3 घंटे के लिए ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। दही हमने बांध के रखा था, वो देखते हैं हम। इसे हम खोल देंगे इसे। और इसका निकालेंगे हम। बहुत अच्छा क्रीमी हुआ है होल हमारा। फुल क्रीम दूध का दही बनाया था हमने इसके लिए। और इसमें डालेंगे, ये 1 लीटर दूध है और उसका 250-300 ग्राम तक हो जाता है चक्का। और इसमें डालेंगे 100 ग्राम शुगर। थोड़ी थोड़ी डालेंगे, आपको जितना मीठा चाहिए वैसे, लेकिन श्रीखंड मीठा ही अच्छा लगता है। और इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे हिलाते रहेंगे ताकि शक्कर मिक्स हो जाए। इसे ऐसे ही रखेंगे और एक फिर से 5-10 मिनट बाद इसे करेंगे। ऐसे हर एक 5-10 मिनट के बाद हिलाएंगे और शक्कर मिक्स होने देंगे। और उसके बाद हम एक आधे घंटे तक हमें ये करना है। देखते हैं, मैंने हर 5-10 मिनट बाद इसे मिक्स किया था। ये शक्कर इसमें मिक्स हो चुकी है। ग्राम हमें शक्कर लगी इसे इसमें डालेंगे हम कार्डम पाउडर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और थोड़े से बादाम। तैयार है हमारा श्रीखंड।
और इसे डेकोरेशन करेंगे थोड़े से बादाम से। तैयार है हमारा श्रीखंड, तैयार है हमारा श्रीखंड और खाने के लिए भी तैयार है हम। इसे आप भी घर में बनाइए, देखिए कैसे बना है और मुझे भी बताइए बनाने के बाद। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वेनसडे नई रेसिपी लेके आऊँगी और आपके साथ बांटने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।